राज्य सरकार के अभियान ब्रेक द चेन के तहत लगाए गए लॉकडाउन का साफ असर दिखाई दे रहा है। मुंबई में भी संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं और सड़कों पर लोग भी ज्यादा नहीं दिख रहे हैं। लॉकडाउन 2.0 सफल रहा, इसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई की लोकल ट्रेनें पिछले लॉकडाउन की तरह सूनी हो गई है। मध्य और पश्चिम रेलवे पर अब कामकाजी दिनों में सिर्फ 9 से 10 लाख यात्री ही सफर कर रहे हैं। यह स्थिति नवंबर 2020 जैसी है, जब सामान्य लोगों को उपनगरीय ट्रेनों में अनुमति नहीं थी। लॉकडाउन के दौरान कामकाजी दिनों में अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग चल रहे हैं, तो शनिवार और रविवार को इनकी भी कमी दिखाई दे रही है। मध्य रेलवे पर गत शनिवार 4.33 लाख तो रविवार को 2.65 लाख लोगों ने यात्रा की। पश्चिम रेलवे पर भी यह आंकड़ा 3 लाख यात्री के करीब रहा। राज्य में सप्ताहांत में पूरी तरह से पाबंदियां लगाई गई है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर समय की पाबंदियां लगाने के बाद सड़कों और लोकल ट्रेनों में भी भीड़ कम हुई है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकारी दफ्तरों में भी कर्मचारी की संख्या निश्चित करने का परिणाम दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब स्टेशनों पर पहचान पत्र देखने के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। पिछले सप्ताह कई गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को रोका गया और GRP RPF द्वारा कार्रवाई भी की गई। मध्य रेलवे पर 23 अप्रैल के बाद से शुरू की गई कार्रवाई के बाद करीब 150 लोगों को पकड़ा गया। कई यात्रियों ने फर्जी पहचान पत्र भी बनाए थे। इस तरह की घटनाएं पिछले लॉकडाउन में भी हुई थी, जिसके बाद अब प्रशासन चौकन्ना हो गया है। 2 दिन पहले 1 फरवरी को सामान्य लोगों को अनुमति मिलने के बाद यात्रियों की संख्या दोगुनी हो गई थी। 1 फरवरी से पहले करीब 17 से 18 लाख यात्री रोजाना चल रहे थे। इनमें महिला यात्रियों को अनुमति मिलने के बाद आंकड़ा बढ़ा था। महिला यात्रियों को नवंबर 2020 में समय की शर्तों के साथ अनुमति मिली थी। इससे पहले रोजाना करीब 9 से 10 लाख यात्री लोकल ट्रेनों में चल रहे थे, जो सभी अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े थे। मुंबई में फिलहाल अभी वैसी ही स्थिति है। 1 फरवरी से आम लोगों को नॉन पीक आवर्स यानी सुबह पहली लोकल चलने से लेकर सुबह 7 बजे तक, फिर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और फिर रात 9 बजे के बाद आखिरी लोकल चलने तक यात्रा की अनुमति दी गई थी। लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए रेलवे ने 15 जून 2020 से लोकल ट्रेनें शुरू की थी। शुरुआत में केवल 30,000 यात्री लोकल में यात्रा करते थे। समय के साथ यात्री और ट्रेनों की संख्या बढ़ती गई। महिलाओं को लोकल ट्रेनों में अनुमति मिलने के बाद 3 नवंबर 2020 तक रेलवे ने लोकल सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 2,773 कर दी थी, जबकि यात्रियों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई थी। इस हिसाब से प्रति ट्रेन 320 यात्रियों का औसत रहा। कोविड के खतरे को देखते हुए यह सुरक्षित आंकड़ा था। 29 नवंबर 2021 तक यात्रियों की संख्या 19 लाख पहुंच गई थी। इस दौरान रेलवे 2,986 सर्विस चलाने लगी थी। इस दौरान प्रति सर्विस में औसतन 636 लोग यात्रा कर रहे थे, जो ट्रेन की कुल क्षमता से लगभग आधी थी। 1 फरवरी के बाद प्रतिदिन लगभग 36 से 37 लाख यात्री सफर करने लगे और अब लॉकडाउन 2.0 में यात्री संख्या में दोबारा गिरावट हुई है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई।